Hello children, hope you all are fine. Today our grammar topic is preposition. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Prepositions के बारे में. Now, what is preposition? A preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो हमें रिलेशन बताते हैं किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच का जो हमें रिलेशन बताते हैं उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स और शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन. अ प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. यहाँ पे लिखा है प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड, मतलब हम प्रेपोजिशन किसी सेंटेंस में कहाँ लिखते हैं? बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले जो है हम प्रेपोजिशन लिखते हैं किसी भी सेंटेंस में. ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल. निकी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल. निकी कहाँ खड़ी है? निकी एक वॉल के साथ खड़ी है. तो अगेंस्ट इज अ वर्ड जो क्या है? प्रेपोजिशन है. और वो किसके बीच में हमें रिलेशन बता रहा है? निकी और वॉल के बीच में, कि निकी कहाँ खड़ी हुई है? अगेंस्ट द वॉल. वो कहाँ खड़ी हुई है? वॉल के साथ खड़ी हुई है. तो अगेंस्ट इज द वर्ड जो क्या है? प्रेपोजिशन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिकी स्विम्स ऑन सैटरडेज. रिकी कब स्विम करता है? सिर्फ सैटरडेज को. वो सिर्फ सैटरडेज को ही स्विम करता है. तो ऑन इज अ वर्ड जो क्या है इस सेंटेंस में? प्रेपोजिशन है. कि और ये किसके बीच हमें रिलेशन बता रहा है? रिकी और सैटरडेज. की रिकी जो है कब स्विम करता है? सैटरडेज को ही स्विम करता है. ऑन इज अ वर्ड जो क्या है? प्रेपोजिशन. वन मोर एग्जाम्पल, निकी इज थ्रोइंग अ बॉल एट देम. निकी किसके ऊपर बॉल फेंक रही है? उनके ऊपर, देम. ठीक है, तो एट इज द वर्ड जो हमें क्या बता रहा है? प्रेपोजिशन, जो रिलेशन बता रहा है कि निकी जो है किसी के ऊपर थ्रो कर रही है बॉल को. तो एट इज द प्रेपोजिशन. नाउ स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन हैं, जैसे इन, आफ्टर, विद, नेक्स्ट, over, on, into, behind, in front और under. ये क्या है? ये preposition words हैं. अब देखो, carrot is on the chair. on क्या है? on is a preposition. वो touch हो रही है ना chair के साथ, carrot. तो carrot is on the chair. next, apple is in the box. in the box मतलब apple क्या है? box के अंदर है. in the box. पम्पकिन इज अंडर द बेंच. अंडर मतलब नीचे है. ठीक है, तो अंडर, ऑन, इन, अंडर, ये क्या है? प्रेपोजिशन वर्ड्स. नाउ स्टूडेंट्स, सी सम मोर एग्जाम्पल. वेयर इज द बॉल. बॉल कहाँ पर है? फर्स्ट पिक्चर में देखो, इन द बॉक्स. ठीक है, सेकेंड पिक्चर, ऑन द टेबल. थर्ड, अंडर द टेबल. फोर्थ, नियर द टेबल. तो देखो, इसमें हमने बॉल के लिए अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज किए हैं. इन मतलब अंदर है बॉल, ऑन मतलब टेबल के ऊपर है, अंडर मतलब टेबल के नीचे है बॉल, एंड नियर टेबल के नज़दीक है. तो इन, ऑन, अंडर, नियर, ये क्या है? प्रेपोजिशंस. नाउ बॉल इज अबव द बॉक्स. वो टच नहीं है ना बॉक्स के साथ, तो हम क्या प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? अबव. अगर टच होती तो ऑन ऑन प्रेपोजिशन यूज होता. नाउ इन द सेकेंड पिक्चर, बिलो द बॉल इज बिलो द बॉक्स. एंड इन द थर्ड पिक्चर, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स. बिहाइंड मतलब बॉक्स के पीछे है बॉल. सेकेंड में बिलो, नीचे है बॉक्स के. तो ये क्या है? प्रेपोजिशन वर्ड्स. नेक्स्ट, बिसाइड. बिसाइड मतलब टच है ना ये बॉक्स के साथ बॉल, तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? बिसाइड. और अगर बॉल ऊपर से जाए तो ओवर. द बॉल इज ओवर द बॉक्स. डाउन, जब बॉल नीचे को आती है तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? डाउन. बॉल क्या है? डाउन, नीचे आ रही है. तो ये क्या है? दीज आर प्रेपोजिशन वर्ड्स. नाउ सी सम मोर एग्जाम्पल्स. बिसाइड, मंकी कहाँ बैठा है? ट्री के बिसाइड.
मतलब ट्री के साथ बैठा है, बिसाइड द ट्री, और एक एनिमल है जो कहाँ है, ट्री के पीछे है, तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, बिहाइंड द ट्री, और एक एनिमल है जो कहाँ है, इन द ग्राउंड, वो कहाँ ग्राउंड के अंदर है ना, तो इन द ग्राउंड, और एक मंकी है जो कहाँ बैठा है, ट्री वुड के ऊपर बैठा है, तो ऑन द वुड बैठा है, ऊपर बैठा है, अंडर, अंडर जो इसमें माउस है वो कहाँ है, अंडर द ग्राउंड. नेक्स्ट में देखो इन फ्रंट ऑफ, चिकन कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ ट्री, मतलब ट्री के सामने है, ट्री के आगे है, तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ. पिक्चर में देखो आउट ऑफ, माउस केम आउट ऑफ द होल, माउस जो है होल के बाहर आ गया, आउट ऑफ द होल. नेक्स्ट में देखो ओवर, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ग्राउंड, बर्ड कहाँ उड़ रही है, ग्राउंड के ऊपर, वो टच नहीं हो रही है ना ग्राउंड से, तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, ओवर द ग्राउंड. ओके नाउ स्टूडेंट्स सी सम मोर एग्जाम्पल, द बॉल इज इन द बॉक्स, वो बॉल कहाँ है, बॉक्स के अंदर, अंदर के लिए इन, ऑन ऊपर, ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है, बॉल इज अंडर द बॉक्स, बॉल कहाँ है, बॉक्स के नीचे, टच हो रही है ना, बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, कहाँ है बॉल, बॉक्स के साथ साथ ही रखी हुई है, बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे है, बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के सामने है बॉल, इन लास्ट बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस, बॉल कहाँ है, टू बॉक्सेस के बीच में है ना, तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, बिटवीन. ओके सो स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रपोजिशंस वेरी क्लियरली. ओके थैंक यू.